नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। बुराड़ी का निरंकारी ग्राउंड बनेगा किसानों का जंतर मंतर। दिल्ली में मिलेगी किसानों को एंट्री की इजाजत। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत। नड्डा के दौरे से पहले प्रभारी और शाह प्रभारी लेंगे तैयारियों का जायजा। 28 और 29 को करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे डोईवाला। चीनी मिल के आगामी पराई सत्र का किया शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष के साथ तमाम लोग रहे मौजूद। पूंछ में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का जवान शहीद। सूबेदार स्वतंत्र सिंह उत्तराखंड का रहने वाले थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख। विवाह समेत अन्य आयोजनों में लोगों की संख्या को लेकर फैसला ले सकती है सरकार। नाइट कर्फ्यू पर भी मंथन जारी। चांदी जैसी चमक रही है उत्तराखंड की वादियां। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मैदानों में झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठंड। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर पथराव शुरू कर दिया। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और उस दौरान कई बार उनकी पुलिस से भिड़ंत भी हुई। चार तस्वीरें बताने में काफ़ी हैं कि आज किसानों का जोर जवानों पर भी भारी पड़ा। किसानों का दिल्ली में घुसने की एंट्री मिल चुकी है। शंभू बॉर्डर, डबली वाला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, पहले ही किसानों को रोका गया तो किसानों ने भी हार नहीं मानी। शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पे बैरिकेटिंग को हाईवे से फेंकते हुए साफ दिख रहे हैं किसान। काफी उग्र आंदोलन था। डब वाली बॉर्डर की अगर लोग बात करें तो यहां भी बैरिकेटिंग फांद कर पुलिस के ऊपर हावी होते दिखे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला पहुंचे और शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन कर गन्ना किसानों को सम्मानित किया। वहीं आपको बता दें कि शुभारंभ से पहले मिल में सीएम ने पूर्व अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, चीनी मिल के अधिशासी निदेशक और स्थानीय जनप्रतिनिधि किसान भी मौजूद रहे। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया। पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार किसानों ने कड़ी मेहनत करके उन्नत किस्म का गन्ना बोया है, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ शुगर मिल को भी होगा, क्योंकि रिकवरी अच्छी आएगी तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेराई सत्र का उद्घाटन करते हुए गन्ने की पॉली को क्रेन में डालकर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से शुगर मिल के शुरू होने का इंतजार किसानों को भी था, जिसके लिए शुगर मिल प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ था। आज मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए किसानों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई किसानों को इस अवसर पर सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल भेंट किए। पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है, और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे किसान जो हम चाहते थे कि हमारे हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं। हम भी उससे हमको बेहद खुश है, उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है। 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है, तो मैं उसके लिए भी जो हमारे यहाँ का प्रशासन तंत्र है पूरा मिल में, जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगा। डोईवाला के गन्ना किसान अजीत सिंह, ओम प्रकाश काम्बोज और जगजीत सिंह ने कहा कि मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया है, इसकी उन्हें खुशी है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार को भी गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ा देना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। कि आज के इस महंगाई के दौर में जो है गन्ना भुगतान जो कि 300 कुछ रुपए रेट है, आज किसानों की डिमांड है, महंगाई को देखते हुए, खाद बीज को देखते हुए 450 रुपए प्रति क्विंटल हमें
आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमने अपना मांग पत्र भी बनाया है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए, जिससे कि इस यहाँ के किसान की प्रगति, जिस प्रकार की सरकार के दावे हैं कि 22 में दोगुनी आय होगी किसानों की, तो अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो किस तरीके से होगी, तो ये बहुत जरूरी है रेट बढ़ना किसानों के लिए। मिल का शुभारंभ हो गया है जो अगले 6 महीनों तक चलेगा, जिसके लिए मिल प्रशासन ने इस बार 30 लाख क्विंटल गन्ना लेने का लक्ष्य रखा है। मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना किसान अब अच्छी प्रजाति का गन्ना बोएंगे तो किसानों को अच्छी आय होगी और इसका फायदा मिल के साथ शासन प्रशासन को भी मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि किसानों के गन्ना मूल्य पर विचार जरूर किया जाए ताकि किसानों की स्थिति अच्छी हो सके। वहीं किसानों ने कहा कि मिल के चलने के बाद अब सभी को फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करे, क्योंकि किसान आज तमाम परेशानियों से घिरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन डोईवाला शुगर मिल से जुड़े सैकड़ों किसानों को कब और कितनी राहत देकर उनकी समस्याओं को कम करती है। के न्यूज इंडिया के लिए डोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में 2022 को चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू होती नजर आ रही, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा आगामी 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाएगा, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी 5, 6 और 7 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड दौरे पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, जो भाजपा उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां पर विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे, साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के 5 से 7 दिसंबर तक के उत्तराखंड प्रवास के बारे में भी दिशा निर्देश देंगे। दीपावली के बाद उत्तराखंड के तमाम जिलों में और खासकर देहरादून हरिद्वार में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार ने राज्य की सीमाओं पर टेस्टिंग बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, जनपदों में भी अब रैपिड और रैंडम टेस्टिंग करवाने का अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब ये सवाल पूछा गया क्या दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी लॉकडाउन दोबारा से लगाने का विचार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा फिलहाल हमारे यहाँ आंकड़ों को देखते हुए हमें घबराने की कोई बात नहीं। साथ ही सीएम ने तमाम जनपदों की पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में इस समय कोविड का फेज 2 शुरू हो गया है और निश्चित रूप से उसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल चीफ मिनिस्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और 8 राज्य जो बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित हैं उन पर उनसे उन्होंने अलग से भी बात किया, उन्होंने उनसे व्यक्तिगत फोन पर भी बात की। राज्य सरकार की इस दृष्टि से अपनी पूरी तैयारी है, हमने अपनी सीमाओं पर टेस्टिंग ये बढ़ाए हैं, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, सभी जगह टेस्टिंग बढ़ाई है। भारत सरकार द्वारा संसद में पास हुए कृषि बिल को किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब राजधानी देहरादून में भी सर्वजन स्वराज पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। इस दौरान पार्टी ने गांधी पार्क के गेट के सामने हाथों में काली पट्टी बांधकर बिल का काले कानून का विरोध किया। वही किसान बिल को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कहना है, इसको लेकर न्यूज संवाददाता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट से क्या खास बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट।
संसद में पास हुए किसान बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर किसान भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अब सर्वजन स्वराज पार्टी भी इसका समर्थन में उतर आई है और आज हाथों पर काली पट्टी बांधकर इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस समय मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट जी मौजूद है, सीधे चलते हैं उनसे बात करेंगे। भट्ट जी, जिस तरह से लगातार जो ये बिल पास हुआ है किसानों को लेकर, किसान भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आप भी, सर्वजन स्वराज पार्टी भी आज उनके समर्थन में उतर आई है? हमारा कहना एक ही है कि जो किसानों के लिए जो नियम कायदे बनाए, जो काला बिल बनाया है, उसको हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको वापस दीजिए। किसान को नाराज मत करो, किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा देश का जो है ऐसी जो है कि अगर किसान हट जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे सब। किसान के हित में सारी बातें होनी चाहिए। वहाँ किसान का काला बिल को हम वापस करने की मांग कर रहे हैं और अगर ये मांग पूरी नहीं की गई है तो आज हमारी शुरुआत है। हम आज जो 100-200 लोग हैं वो मत देखिए, हम 11 तारीख को सचिवालय कूच करने वाले हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम 5,000 से लेकर 10,000 लोगों को लेकर के सचिवालय कूच करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, इस पर भाजपा सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि जो विपक्ष है या अन्य दल कोई भी हो, वो सिर्फ किसानों को उकसा रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ये किसानों की 20 साल से मांग चलती आ रही थी, जो कि अब भाजपा ने पूरी कर दी है, तो कहीं ना कहीं उनको, जो विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है। सरकार के बोलने से क्या होता है, सरकार तो ऐसे ही बोलेगी ना। आप किसान से पूछे ना, वो खुश है कि नहीं है। जो किसान आज अन्न उगा रहा है, जो अन्नदाता बना हुआ है, उसको पूछे ना आप, वो हमारा भगवान है। उसको पूछे कि नाराज है खुश है, अगर वो नाराज है तो नाराज है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा सरकार। सरकार जबरदस्ती बोलेगा हाँ भाई हम अच्छा काम करें, सरकार के बोलने से नहीं होता है, किसान के बोलने से होता है। तो ये थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसानों का जो बिल है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी 11 तारीख को सचिवालय कूच किया जाएगा। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देश के अन्नदाताओं को अपना परिवार का पालन पोषण करना दूभर हो रहा है। अपने हक की लड़ाई के लिए किसानों को सड़क पर उतरकर पुलिस की बर्बरता का बल का शिकार होना पड़ रहा है। भारत देश कृषि प्रधान देश होने के साथ ही देश के किसानों को खुद का ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकार की इस नीतियों से परेशान किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। कृषि बिल के विरोध में देश भर के किसान उग्र होकर सड़क पर उतर चुके हैं। वहीं मैंगलोर में किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। के विरोध में सैकड़ों किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसानों को रोका गया और उन पर बौछार की गई, जिससे कई किसान घायल हो गए। इसके विरोध में जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी है मंगलोर गुड़ मंडी के जो हाईवे गुजर रहा है वहां जाम लगा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो है किसान जो है वो नीचे ही बैठ गए हैं और काफ़ी ट्रैक्टरों में भी किसान यहाँ आए हैं और धरना दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो है मंगलोर CO अभय कुमार हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। शिवा साहब, जैसे कि काफ़ी किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग किए गए? देखिए, जैसा आपको पता है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के द्वारा दिल्ली और हरियाणा में जो किसानों का प्रोसेशन था, उनके समर्थन में आज नेशनल हाईवे पे प्रोसेशन के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन किसान अभी यहाँ पे आए थे। हमने इसकी पहले से ही प्लानिंग की थी कि जो आम यात्री हैं, जो हाईवे से जिनको ट्रेवल करना है, उनको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो, इसीलिए हरिद्वार के आने वाले यात्रियों को हमने नारसन से डाइवर्ट किया था। इसी तरीके से अगर जो सहारनपुर से यात्री आ रहे थे उनको हमने लखनौता से, और जो हरिद्वार से बाहर की तरफ निकल रहे थे उनके लिए हमने जो हमारा मंगलौर का पुलिया है उसी से नहर पटरी की तरफ डाइवर्ट करने की व्यवस्था की थी। और अभी हमारी किसानों से वार्ता चल रही है, होपफुली अभी ये लोग मान जाएंगे और इन्होंने भी आश्वासन किया है कि अभी हम हाईवे को खोलने में मदद करेंगे। तो ये थे मोरूसी अभय प्रताप सिंह का ही कहना है कि किसानों से ये वार्ता चल रही है, जल्दी किसान मान जाएंगे, लेकिन किसान जो है मानने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं और थोड़ी देर में ही जो है मजिस्ट्रेट यहाँ पहुँचने वाली है और किसान जो है अपनी मांग मनवाने के लिए अड़े हैं। के न्यूज़ की अकील अहमद, मंगलौर। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। Yeah!
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार के कनखेल क्षेत्र की है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आधा दर्जन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की। रूटीन चेकिंग अभियान के दौरान कनखल के बंगाली हॉस्पिटल के मेडिकल व अन्य मेडिकलों पर चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान छोटी दुकानों पर ही नहीं बल्कि बड़ी संस्थाओं के मेडिकल स्टोरों पर भी नियमों की अनदेखी देखने को मिली। बता दें कि जाने माने रामकृष्ण मिशन के मेडिकल स्टोर पर भी अनियमितताएँ पाई गईं। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर को बंद कराया और आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन के वीरपुर खुद वीरभद्र निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने व उस पर एक विशाल 52 कमरों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवैध रूप से बने निर्माण कार्य ध्वस्त किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमणकर्ताओं से 20 साल का मुआवजा लिया जाए। मामले की सुनवाई किए गए कोर्ट में 4 दिसंबर की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुद वीरभद्र में मुनि चिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा करके वहां पर 52 कमरों का एक बड़ा हॉल और गौशाला का निर्माण कर लिया है। श्रीमती अर्चना शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद एंड अदर्स, माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश श्री रवि मलिमत एवं न्यायाधीश श्री रविंद्र मैठानी जी के यहाँ लगी थी। इस 20 साल के रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पे 20 साल के कब्जे के एवज में सरकार उनसे कितना मुआवजा लेना चाहती है। नगर पालिका सितारगंज में जिले में तैनात अपर जिला अधिकारी के विरोध में 8वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर नैनीताल पालिका अध्यक्ष संजीव नेगी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे की मांग पूरी नहीं की गई या उन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया गया तो परिणाम भयंकर होगा। आपको बताते चले कि अपर जिलाधिकारी के विरोध में धरने का 8वां दिन है। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मुख्यमंत्री रावत को पत्र लिखकर यह आरोप लगाए हैं कि सरकार द्वारा जनहित में जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसे जिला स्तर के अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर जनता तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। आपको बता दें पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पर पालिका अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है, सीधा आरोप है कि वो जो सरकार द्वारा जनहित योजनाएं बनाई गई उनका फायदा जो है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा, आमजन को नहीं मिल पा रहा, जिसको रोकने का काम कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी। उनको कई संगठनों ने बीते 8 दिनों में समर्थन दिया है, उन्हीं में एक संगठन आज ही पहुँच कर उनकी मांगों को लेकर उनको समर्थन दिया और ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई या उन्हें साजिशन फंसाया गया किसी चीज़ में तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ऐसा कहा है उनको समर्थन देने वाली संस्थाओं ने या संगठनों ने, जिन्होंने भी हरीश दुबे पिछले 8 दिनों से पालिका अध्यक्ष हैं, नैनीताल पालिका अध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए हैं 8 दिनों से अपर जिलाधिकारी के विरोध में, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, उनको
और उनके खिलाफ जांच करने की मांग कर रहे हैं। लगातार ये आरोप लगाते आए कि जितने भी जनहित योजनाएं हैं उसका सीधे रूप से अगर हम बात करें तो लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिससे काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो योजनाओं के तहत वो लोग उनसे मिलने जाते हैं या पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे मिलने जाते हैं तो उनको भी टाइम नहीं दिया जाता है, उनसे बदतमीजी की जाती है, वहाँ अपर जिलाधिकारी कार्यालय में उनकी बात नहीं सुनी जाती और किसी भी योजना के प्रति वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल नकार देते हैं, किसी भी योजना का सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा है, ना ही पालिका अध्यक्ष किसी योजना को फायदा दिलवा पा रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि बीते 7 दिनों से चेयरमैन साहब हमारे हरीश दुबे जी यहाँ पर धरने बैठे हैं। इनकी जो मांग है वो मांग जायज़ भी है, क्योंकि अगर ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा विकास कार्य में कहीं ना कहीं बाधा पहुँचेगी, तो हम पूर्ण समर्थन जो हमारे अध्यक्ष जी बैठे उनका पूरे समर्थन करते हैं और प्रशासन को भी यहाँ पर चेताना चाहेंगे हम करके, अगर अध्यक्ष जी को उन्होंने कोई फंसाया या उनको उसमें बाधा डालने की कोशिश करी, क्या उधम सिंह नगर ही नहीं हम पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जितना है वो जितने भी हम चेयरमैन सब मिलकर फिर एक उग्र आंदोलन हम अपने स्तर से अपने अपनी जगह में करेंगे और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की भी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप हैं, करेक्ट होता है बाबूली, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। सीनियर आईएएस नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, आपने माटी कलर को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाए कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती थी। देखिए इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाहें हैं, उद्योगपतियों की, यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुँची वो बात कर? नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख, कीजिए सवाल जानिए अधिकार 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।